2022 मर्सिडीज़ CLS 53 AMG। ये इसका इंटीरियर है, आप देख सकते हैं इसका सिंपल सा स्टीयरिंग व्हील है, डिजिटल डैशबोर्ड है और स्टीयरिंग व्हील काफ़ी सारे बटन्स हैं, नीचे दो नॉब्स भी हैं। अब ये AMG मॉडल है तो इधर ये स्पोर्ट मॉडल है, इसलिए इसमें जो वो ब्लैक कलर का लेदर दिया हुआ स्टीयरिंग व्हील पे, रेड कलर की स्टिचिंग है, ये आपको पूरी गाड़ी में नजर आएगी। अच्छा, ये जो इसका इंटीरियर है तो यहाँ पर बड़ी सीटी स्क्रीन है, तो इसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम है। नीचे यहाँ पे यूजुअली वुड डीवी होती है, यहाँ पे आप कार्बन फाइबर दिया हुआ है क्योंकि ये स्पोर्ट मॉडल है, तो ये इसका स्पोर्ट पैकेज का हिस्सा है। प्लस यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं और नीचे जो है मल्टीमीडिया और दूसरे बटन्स हैं। बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ और दरवाज़ों पर भी और सीट पर भी कि वो ज़्यादातर ब्लैक लेदर है और रेड स्टिचिंग है। तो अभी थोड़ा सा अंधेरा है, मैं आपको अपनी सीट जो है उतर के फिर दिखाता हूँ सही तरह से। पीछे भी वही सेम लेआउट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें दरवाजे पे तो आप देख सकते हैं कि भाई ये अब स्टिचिंग यहाँ पे ज़्यादा नमाया है और बहुत ही सिंपल सा और एलिगेंट इंटीरियर बनाया इन्होंने इस दफ़ा। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टच पैड दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर स्क्रीन पर हाथ बढ़ा के टच करना जो है ना, वो ख़तरनाक है ड्राइविंग करते वक्त, आपका ध्यान पड़ता है। तो ये अच्छा है, आप यहीं से जो है वो टच पैड से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें बटन्स भी दिए हैं, शॉर्टकट्स हैं, होम का, सेटिंग्स का, बैक का बटन, तो आपको जो भी मेन्यू सेलेक्ट करना है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप जो है वो बगैर यानी डिस्ट्रैक्ट हुए आराम से ड्राइव भी कर सकते हैं और आप जो भी फीचर एक्सेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्लस जो स्टीयरिंग व्हील बटन्स हैं वो भी शॉर्टकट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। चलें बाहर से देखते हैं गाड़ी, मगर हाँ एक नज़र पहले आपको सीट्स दिखाते हैं इसकी। तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, ये हैं स्पोर्ट सीट्स। और वैसे तो यानी लेदर्स का स्पोर्ट ही है, स्पोर्ट सीट्स तो बहुत डिफरेंट होती हैं इससे स्पोर्ट्स कार्स में होती हैं। साथ में आपको मैचिंग रेड कलर की सीट भी मिलती है इसमें। चलें पीछे की सीट्स देखते हैं ज़रा। हाँ, उससे पहले एक नज़र, यहाँ एक लिखा हुआ है 2022 मर्सिडीज़ CLS 53। हाँ, 3000 CC वाला इंजन है इसमें। और अगर पीछे की सीट्स देखते हैं तो वो भी वैसे ही आगे की सीट्स की तरह फुल ब्लैक कलर का लेदर, रेड कलर की स्टिचिंग, रेड कलर की सीट बेल्ट्स और यहाँ आर्मरेस्ट भी है इसके साथ। ये फोल्डेबल ये है कप होल्डर, ये अंदर चल जाता है। और पीछे भी आपके पास AC ग्रिल है, काफ़ी स्पेस भी है, आप अपना क्लाइमेट भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा है कि आप आराम से बैठ सकते हैं पीछे और अपने हिसाब से जो है वो टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलो बाकी गाड़ी को बाहर देखते हैं। तो ये एक बहुत ही स्लीक मॉडल है, ये है तो फोर डोर मॉडल मगर बिल्कुल स्पोर्ट्स कार की तरह का लुक दिया हुआ है, मगर इतनी खूबसूरत नहीं है जितना ये पहला मॉडल जो इसका था CLS का, वो मैंने पाकिस्तान में भी देखा है और मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद है। अच्छा, पीछे की लाइट्स सही हैं, ओके हैं, प्लस डबल एग्जॉस्ट पाइप्स दोनों तरफ हैं आपके पास, डिफ्यूज़र इसका फुल वो ग्रे है, व्हील्स इसमें आपको थोड़े बड़े मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा ये स्पोर्ट्स मॉडल है। और साइड बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल कर दिया उन्होंने। फ्रंट एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लाइट्स थोड़ी सी बेहतर हैं, थोड़ी सी स्पोर्टी लुक्स हैं, ग्रिल भी अच्छी है, थोड़ी सी नुमाया सी है। आगे का जो फ्रंट बम्पर है और जो यानी एयर इनटेक बनाया हुआ उसके अंदर, वो भी थोड़ा सा स्टाइल दिया हुआ उसके अंदर। चलो तो हेडलाइट्स करीब से देखते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है ऑफकोर्स आपको हाई बीम लाइट्स मिलेंगी, लिखा हुआ भी है हाई परफॉर्मेंस, यहाँ पर लिखा हाँ LED हाई परफॉर्मेंस। तो ज़ाहिर ये बहुत ही पावरफुल लाइट्स हैं, तो आपको आराम से दूर तक रोशनी मिलेगी। और ये देखें इन्होंने किस तरह से इसका जो है वो फ्रंट बम्पर भी डिज़ाइन किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी के अंदर हवा जाए। ज़ाहिर ये थोड़ा स्पोर्ट मॉडल है तो इसको ज़्यादा जो है वो हवा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पावर की वजह से। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इंजन कौन सा। इसमें 6 सिलेंडर इंजन है, 435 हॉर्स पावर था। ये गाड़ी आपको मिलेगी तकरीबन 535,000 दिरहम की, इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल हाँ ये काफ़ी महंगी गाड़ी है, मगर ये कि अगर आपको पसंद है तो हाँ ये तो गाड़ी बहुत अच्छी है, 4 लोग के लिए आराम से बैठ सकते हैं इसमें, फैमिली के लिए भी अच्छी है। हाँ, अगर आपको टू डोर गाड़ी चाहिए तो इसके लिए भी बहुत सारे मॉडल्स हैं मर्सिडीज़ के लाइनअप पे। तो इसी तरह मैं मर्सिडीज़ शुरू में आया हूँ और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे पास मर्सिडीज़ के, सुपर कार, हाइपर कार, सब तरह की। तो एक नज़र मेरे चैनल पर ज़रूर जाके देखिएगा, आपको यकीन मज़ा आएगा। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नाम और लिंक्स मिल जाएंगे सारे मर्सिडीज़ के मॉडल्स की। तो एक नज़र ज़रूर देखिएगा, आपको यकीन मज़ा आएगा।